नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया से MBBS कर रहे हैं, उनको ऑलमोस्ट 1 ईयर से अधिक टाइम इंडिया में स्पेंड करते हुए हो गया है और वो काफ़ी बोरिंग महसूस कर रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कब जाना होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आज मेरी इंडियन एम्बेसी के किसी मेंबर से बात हुई, उसका नाम मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता, ना ही मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना सकता, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिएगा। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि आपका जाना अभी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जितनी भी रशियन कंट्री हैं उनमें दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेज बढ़ते जा रहे हैं और फॉरनर के लिए किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो आपका दिसंबर तक जाना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में आती जा रही है तो आप ऑलमोस्ट अपना अक्टूबर लास्ट समझिए जाने के लिए। इससे पहले जाना मुझे नहीं लग रहा किसी भी हालत में आपका मुमकिन होगा। तो दोस्तों, बस मेरा यही कहना है कि अब 2-2.5 महीने आपको यहीं वेट करना पड़ेगा और मैं आपके तकलीफ़ समझ सकता हूं, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस हो रही है, समाज में भी, अड़ोसी पड़ोसी भी यही कह रहे हैं कैसी MBBS चल रही है, 1 साल से लड़का घर पर ही है, क्या सीखा होगा, क्या डॉक्टर बनेगा। तो इस प्रकार के ताने ही आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये कि आप जाओगे उससे पहले 2-2.5 महीने का आपके पास टाइम है, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, जिससे कि वहाँ जाओ तो फिर आराम से अपन 1-2 महीने इन्जॉय भी कर सकें, क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आप इंडियन स्टूडेंट के साथ कदम से कदम मिला के चल सकोगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अभी आपका जाना मुझे बहुत कम संभावना लग रही है, आपका जाना इस साल के लास्ट तक ही हो पाएगा, ऐसा मुझे किसी के थ्रू पता चला है। हालाँकि कई कॉलेजों में ये अफवाह सुनने को आ रही है कि इन्विटेशन लेटर जारी कर दिए गए हैं या फिर बुलाने की तैयारी हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि एडमिशन का दौर चालू हो गया, तो बड़े बड़े एजेंट हैं, ये स्टूडेंट या पेरेंट्स से यही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सितंबर में भेज देंगे, नहीं नहीं सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट में, क्योंकि आपका एक एडमिशन का प्रोसेसिंग हो गया। अगर आप पहले ही पेरेंट्स को कोई एजेंट ये बोल देगा नहीं नहीं बेटा आपका अगले साल जाएगा, तो वो एडमिशन ही नहीं कराएगा, तो इससे कहीं ना कहीं मार्केटिंग पर फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ ही जितने भी सीनियर स्टूडेंट हैं 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर, उनके लिए भी इस प्रकार बोला जा रहा है कि आपको सितंबर में आपके वीज़ा लगना चालू हो जाएंगे। ये केवल फ़ीस लेने की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं जा पा रहे, इस वजह से फ़ीस भी पे नहीं कर पा रहे, तो फ़ीस पे करने के चक्कर में भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आपको जल्दी बुला लिया जाएगा जिससे स्टूडेंट फ़ीस पे कर दे। तो दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति कंट्रोल में रहती है। अगर स्थिति कंट्रोल में रही तो आपका जाना संभव है, अदरवाइज अगर स्थिति के इस प्रकार के ही केस आते रहे तो आपके जाने में लगभग 3 से 4 मंथ और लग सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिएगा और अच्छे डॉक्टर बनिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।